नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु है बंगाल में उद्योग ठप और नेता मस्त। लोकसभा का चुनाव का घोषणा हो चुका है, पहला चरण का अब कुछ दिनों में, एक हफ्ता 10 दिन में वोटिंग होगी। तो आपको वोट देने के पहले कुछ स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, ये बंगाल है जहां सबसे पहले उद्योग धंधा आया और 1977 से लेकर 2011 तक वाम मोर्चा का यहां सरकार रहा 34 वर्ष। ये वामपंथी सरकार रहा 34 वर्ष, उसमें 65,000 कारखाना बंद हुआ। ये ध्यान रखें आप मेरे नौजवान मित्र, ये इसको ध्यान रखें, 65,000 कारखाना बंद हुआ बंगाल में, सिर्फ बंगाल में, जहां की सबसे पहले देश में औद्योगिकरण हुआ। अब देखिए, 40,000 एकड़ कारखाने की जो भूमि थी वो आज बेकार पड़ी हुई है। 40,000 एकड़ कारखाने की, ये पूर्व वाले कारखाने की जमीन बेकार पड़ी हुई है। वहां जूट मिल का तो खजाना ही था, बहुत तरह के उद्योग, यानी 65,000, आप इसको समझे। अब देखिए, पूरे देश में, भारत में के उत्पादन में बंगाल का हिस्सा 30% था, 30% हिस्सा था, 30। और आज के तारीख में, यानी 2024-23 रखें तो मात्र 6% है हिस्सा, कहां 23 से घटकर 6% आ गया, ठीक है ना। और बड़ी एक मजेदार आंकड़ा उनका ये भी आया है कि बंगाल में बिजली का खपत 30% कम हो गया है अन्य राज्यों से। अब उद्योग है ही नहीं, उनको जरूरत है नहीं, उनके सारे लोग जो हैं वो अन्य राज्यों में, देश में, विदेश में निकल गए हैं। आपके समक्ष हम इस विषय को आज इसलिए ले आए कि श्रम समाचार में अगर आपका एक जनप्रतिनिधि सही आ जाएगा तो वो राज्य सुदीर्घ हो जाए, वो राज्य में रोजी रोजगार सब कुछ होगा, शांति व्यवस्था। और जो राज्य ये वामपंथी के लोग हैं, ये लोग बराबर नारा लगाते हैं, अभी ममता बनर्जी वहां शासन काल में है, कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान बेकार हो रहा है। जरा देख लीजिए ये आंकड़ा, ये बंगाल का ही आंकड़ा है। तो चुनाव के समय जनप्रतिनिधि चुनते समय इस बात को ध्यान रखें कि कौन सा जनप्रतिनिधि राष्ट्रहित, राज्यहित में कारगर है। नमस्कार।